हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेनलाइट एकेडमी और आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस की आगे वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्सरसाइज 3.4, यही हमें कंटिन्यू करना है। हमने 2x2 हमने आगे डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3x3 का मैट्रिक्स होगा। 3x3 सेम वे 2x2 जैसे ही सोल्व करना है, बस थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। ऑपरेशन हमें वैसे ही लगाना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लगाए थे। ये तुम्हें बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक बार और डिस्कस करता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने वहां पे एक बात पहले बताई थी, अगर हम ऑपरेशन अगर रो वाइज लगाना चाहते हैं तो जब तक हमारा मैट्रिक्स पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें रो वाइज ऑपरेशन ही लगाना होगा। ठीक है, हम किसी भी मैट्रिक्स में की रो में स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में। ठीक है, या हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो के साथ में, मतलब अनदर रो के साथ में उसको ऐड किया जा सकता है, मतलब उसका एडिशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी अनदर कॉलम के साथ में उसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन होते ही क्या है ये मैंने तुम्हें बताया, हाउ टू अप्लाई, ये हम 3x3 ऑर्डर्स को समझते हुए देखेंगे। ठीक, तो पहली बात तो ये हुई हमारी, और मैंने बता दिया है तुमको 3 रूल एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है। आज हम 3x3 के मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मैं बताता हूं। हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, 1 -3, 2 -3, 0 -5, -2 -5 and 0, ये हमारा मैट्रिक्स दिया था। ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी हमें रो वाइज ऑपरेशन लगाएंगे तो हम ए आई ए लेके चलेंगे। ठीक है, रो वाइज ऑपरेशन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था जब भी हम रो वाइज ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको क्या करना होता है, हमारी कंडीशन ये होती है। ठीक है, हम ऑपरेशन लगाते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं और इस ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस मैट्रिक्स को क्या बनाते हैं? ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर हम जब इस ए में हम चेंज करेंगे तो इस आई में ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो आई में चेंज होगा। सपोज कर लो इसमें चेंज होते होते हमको एक नया मैट्रिक्स मिल गया, बी मिल गया हमको, और ये ए तो एज इट इज रहेगा तो हमको आई इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, और ये बी जो है हमारा इन्वर्स होगा, बी इज इन्वर्स ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा होता था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे भी सेम वे में चल रहे हैं। ए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं राइट कर रहा हूं 1 -3, 2 -3, 0 -5, -2 -5 and 0, और आई भी हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आई हमको एक मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए को एज इट इज रखना। जब मैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है, मेरे को आइडेंटिटी इसको बनाना है तो मैंने बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी बनाऊंगा तो डायगोनल्स के एलिमेंट्स सारे 1 होंगे और ऑल अदर एंट्रीज है ना, जो भी बाकी के दूसरी एंट्रीज हैं वो 0 होगी। तो डायगोनल हमारा ये है तो यहाँ पे 1 1 आना चाहिए, बाकी जितनी भी प्लेस है मतलब वहां पे 0 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये रूल्स तुमको याद रखना है। तो सबसे पहली बात, हमको ये वाला एलिमेंट तो 1 ही चाहिए था, हमको ये 0 बनाना और ये भी 0 बनाना, तो हम ये इसको अगर 0 बनाएंगे तो ये हमारी पूरी रो जो है ये R1 कहलाएगी, ये पूरी रो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो हम जब अगर एक ऑपरेशन लगाएंगे, अगर हम R2 को चेंज करना चाहते हैं, तो R2 के सारे एलिमेंट्स के साथ में ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, चाहे हमने इस एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करी, लेकिन अप्लाई वो हर एक एलिमेंट के साथ होगा रो 2 के। ठीक है, तो ये मेरे को तो इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे हमारा ये R2 है, R2 में चेंज करना है तो R2 को लिख देंगे। अब ये माइनस कर दिया होगा
ऊपर वाला वन है, सबसे पहले वन बनाना ही है हमको, ये वन बनाना है, तो वन तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ, तो मैंने आर टू लिख दिया, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, और मैंने थ्री का मल्टीप्लाई करके आर वन लिख दिया, एक ऑपरेशन ये लगा दिया, तो ये तो आर टू में चेंज कर रहा है, ऐसे एक ऑपरेशन और लिख लो जो आर थ्री में चेंज करेगा, इसको आर ये वाले एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना, और ये पूरी रो आर थ्री है तो मेरे को आर थ्री में चेंज करना है, आर थ्री में चेंज करना है, तो आर थ्री तो मैंने एजुकेशन लिखा, ठीक है, इसमें चेंज करना है, किससे करना है, फर्स्ट रो से चेंज करना है, तो टू आर वन लिखा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि प्लस का दिया, क्योंकि टू में से टू अगर मैं इस एलिमेंट में टू का मल्टीप्लाई कर दू और इस एलिमेंट से माइनस कर दू तो ये जीरो हो जाएगा, तो यही हमारा ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, तो हमको एक मैट्रिक्स तो यहाँ पे मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ से मैट्रिक्स, ठीक है, तो फर्स्ट रो को दोनों मैट्रिक्स में चेंज नहीं होगी, फर्स्ट रो इज इट इज और ये ए इज इट इज, ठीक है, हम इस रो को जीरो बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये रो को हम जीरो बनाने जा रहे हैं, तो करना क्या है, हम सबसे पहले ये ऑपरेशन को देख रहे हैं, क्योंकि आर टू में हम पहले चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आर टू और आर थ्री में चेंज हो रहा है, तो आर टू वाले को देखते हैं, तो आर टू का पहला एलिमेंट हमारा क्या है, माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू आर वन, आर वन कितना है, वन, तो वन लिखा हमने, तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस थ्री कितना है, जीरो, तो ये एलिमेंट हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, और आगे बढ़े, अभी तो आर टू के सारे एलिमेंट चेंज होंगे, क्योंकि चाहे हमने इसको देख के ये ऑपरेशन बनाया, लेकिन ये ऑपरेशन लगेगा पूरी रो में, तो ये तो जीरो है हमारा, आर टू अभी जीरो है, हम अभी ये ऑपरेशन आर टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जीरो है, फिर प्लस थ्री इंटू आर वन, आर वन हमारा थ्री है, तो थ्री थ्री था नाइन, तो ये वाला एलिमेंट तो नाइन आ गया हमारा, ठीक है, तो ये आगे और बढ़े, आर टू माइनस फाइव प्लस आर टू माइनस फाइव के सेकेंड रो का एलिमेंट प्लस थ्री इंटू आर वन, आर वन कितना माइनस टू, तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस इलेवन, तो ये आ गया हमारा माइनस इलेवन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसलिए हमको और आगे भी करना, अब हमारा ये जब हम इस मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो आर टू हमारा जीरो है, तो ये जीरो प्लस थ्री इंटू आर वन, आर वन हमारा कितना वन, तो वन, हम इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स राइट करना है हमको, तो ये हो गया हमारा थ्री, तो ये वाला एलिमेंट कितना आएगा, थ्री, ऐसे आर टू का एलिमेंट कितना वन, तो वन प्लस थ्री इंटू आर वन जीरो है, जीरो, मैट्रिक्स ऊपर वाला देख लो, सेकंड में राइट करना, तो कितना हो गया ये थ्री का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो वन, तो ये कितना आएगा हमारा वन, ठीक है, ऐसे ही अब आर टू कितना है जीरो प्लस थ्री इंटू आर वन, आर वन कितना है जीरो, तो ये जीरो, तो कितना आ गया जीरो, तो ये हमारा एलिमेंट कितना है जीरो, ठीक है, ये हो गया हमारा, अब आर थ्री इस ऑपरेशन पे बात करें, क्योंकि हमने दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिए थे, तुम वन बाय वन भी लगा सकते हो और दो एक साथ भी लगा सकते हो, तो दोनों एक साथ लगाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कि एक साथ काम हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाती है, तो आर थ्री, आर थ्री हमारा कितना है टू, माइनस माइनस है टू इंटू आर वन, आर वन हमारा कितना वन, तो वन टू माइनस टू कितना है जीरो, तो ये तो हमारा एलिमेंट आया जीरो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, फिर अब आर थ्री हमारा कितना है फाइव, आर थ्री फाइव है माइनस टू इंटू आर वन, इसके करेस्पॉन्डिंग आर वन कितना है थ्री, तो ये थ्री, फाइव माइनस सिक्स कितना है माइनस वन, तो ये आ गया हमारा माइनस वन, ठीक है, ऐसे आगे देखिए आर थ्री है कितना है जीरो, आर थ्री का एलिमेंट निकालो गए जीरो माइनस टू इंटू आर वन, आर वन कितना है माइनस टू, कितना है माइनस टू, तो कितना हो जाएगा ये फोर, तो ये आ गया हमारा फोर, ठीक है, ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में आर थ्री हमारा जीरो माइनस टू इंटू आर वन, आर वन वन तो माइनस टू, तो ये माइनस टू हो गया, आर थ्री कितना जीरो माइनस टू इंटू जीरो कितना जीरो, तो ये जीरो हो गया, आर थ्री कितना वन टू इंटू जीरो कितना वन, तो ये कितना हो गया वन, टू जीरो जीरो एंड वन, तो वन बचा हुआ, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है,
तो इसी तरह हमको आगे भी कंटिन्यू करना है मैट्रिक्स को। देखते हैं अब यहां पे मेरे को ऑपरेशन लगाना है और मैंने उनको बोला था सबसे पहले इसको वन बनाना है, इसको क्या बनाना है वन बनाना है, ठीक है। तो इसको वन बनाने के लिए मैं इस पूरी रो को अगर नाइन से डिवाइड कर दूं तो यहां तो वन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यही काम करता हूं सबसे पहले, तो मैंने आर टू को डिवाइड कर दिया इससे नाइन से, तो ये वन बन रहा है मेरा। तो आर टू डिवाइडेड बाय नाइन तो एक ही रो में चेंज हो रहा है, वो भी सेकंड रो में चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी फर्स्ट रो इज इट इज आएगी वन थ्री माइनस टू और थर्ड रो भी वैसी आएगी जीरो माइनस वन फोर, सेकंड मैट्रिक्स में इससे वन जीरो जीरो फर्स्ट रो इज इट इज आएगी और थर्ड रो भी इज इट इज आएगी और ये ए हमारे सेकंड रो के एलिमेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो जीरो को अगर नाइन से डिवाइड करूंगा तो जीरो आएगा, नाइन को नाइन से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा वन आएगा, एंड माइनस इलेवन को नाइन से डिवाइड करूंगा तो माइनस इलेवन बाय नाइन आएगा। ऐसे ही थ्री को नाइन से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा वन बाय थ्री हो जाएगा, ये वन बाय थ्री, और वन को नाइन से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये वन बाय नाइन हो जाएगा, और जीरो को नाइन से डिवाइड करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बोला था अगर ये एलिमेंट वन बन गया है तो तुमको सेकंड रो को देखना है और सेकंड रो से इसके ऊपर वाला भी जीरो बनाना है और ये लास्ट वाला भी जीरो बनाना है, क्योंकि हमारी वन जैसे ही मिलेंगे तो वन के साथ वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होना चाहिए। तो इसके ऊपर वाला भी जीरो होगा, इसके नीचे वाला, जैसे हमारे ये वन था तो हमने इसके नीचे वाले सारे एंट्री जीरो बना दी। अगर ये वन हो गया क्योंकि हमको डायगोनल में तो वन ही चाहिए, तो ये वन हो गया तो इसके ऊपर भी जीरो चाहिए, इसके नीचे भी जीरो चाहिए। तो अब मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूं, तो आर वन में मेरे को चेंज होगा हमारा, तो आर वन और ये देखो ये थ्री है तो मेरे को माइनस थ्री इंटू आर टू, और वो आर टू से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसे आर थ्री में भी चेंज करना है वो भी आर टू से करना पड़ेगा, तो आर थ्री प्लस, क्योंकि आर थ्री हमारा ऑलरेडी माइनस का एलिमेंट है तो प्लस लगाना, क्योंकि तभी प्लस माइनस माइनस होंगे तो जीरो बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं, आर टू डायरेक्टली लिख लो। तो ये हो गया हमारा, तो हमारा फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आर वन, आर वन क्या है वन, ठीक है, माइनस थ्री इंटू आर टू, वन के करेस्पॉन्डिंग जीरो जीरो, तो वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा जीरो, ये तो सॉरी वन माइनस जीरो वन, ठीक है। फिर ऐसे आर वन थ्री है, आर वन थ्री है, थ्री इंटू आर टू कितना वन, तो कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, सेकंड में कुछ नहीं होगा, सेकंड रो हमारी एजिटीज रहेगी, इधर भी सेकंड रो एजिटीज रहेगी, वन बाय थ्री वन बाय नाइन जीरो, और ये ठीक है एजिटीज रहेगी। इसी हमारा सेकंड, बाकी एलिमेंट्स के लिए अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आर वन हमारा कितना अभी माइनस टू माइनस थ्री इंटू आर टू, इस आर वन के करस्पॉन्डिंग ये, तो ये लिखना पड़ेगा माइनस इलेवन बाय नाइन, ठीक है। तो ये थ्री से ये थ्री टाइम कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इलेवन बाय थ्री हो जाएगा, थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिक्स प्लस इलेवन बाय कितना हो जाएगा थ्री, ऐसे मेरे सॉल्व करा मैंने तो फाइव बाय थ्री बचेगा, ये कितना आया मेरा फाइव बाय थ्री, ठीक है। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स पे आते हैं, अब हमारा आर वन, ये ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, आर वन फाइंड कर रहा हूं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस थ्री इंटू, इस आर वन के करेस्पॉन्डिंग हमारा आर टू क्या है वन बाय थ्री, तो लिख दिया हमने वन बाय थ्री, थ्री इंटू थ्री वन माइनस वन कितना आ गया जीरो, तो ये एलिमेंट जीरो आ गया हमारा, ठीक है। इधर वाले मैट्रिक्स में कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, बस ये बात ध्यान रखो, फिर ऑपरेशन अपने हिसाब से बनाते रहो, ठीक है। फिर आर थ्री हमारा कितना है, सॉरी आर वन कितना है जीरो जीरो, तो लिख लिया जीरो, माइनस थ्री इंटू आर टू, आर टू कितना वन बाय नाइन, तो वन बाय नाइन थ्री से ये कट जाएगा थ्री टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा आर वन कितना है जीरो, माइनस थ्री इंटू आर टू भी कितना है जीरो, तो पूरा कितना आएगा जीरो, ये तो जीरो आएगा, ठीक। ये हमारी फर्स्ट रो सॉल्व होगी, अब ये ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन भी लगा देते हैं, आर थ्री हमारा कितना है जीरो प्लस आर टू कितना है जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो,
ठीक है। आर थ्री कितना है माइनस वन, आर टू कितना है प्लस वन, तो ये कितना हो गया जीरो, ये भी जीरो आ गया। आर थ्री फोर, फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये फोर प्लस माइनस इलेवन बाय, तो ये माइनस इलेवन, माइनस इलेवन बाय नाइन, तो थर्टी सिक्स एलसीएम लिया, थर्टी सिक्स बाय नाइन, ये रफ आइटम में सॉल्व करना था। थर्टी सिक्स तो कितना आएगा, ये ट्वेंटी फाइव बाय नाइन, ट्वेंटी फाइव बाय नाइन, तो ये आ गया होगा ठीक है। ऐसी इसको भी देखें, आर थ्री, आर थ्री हमारा माइनस टू है और इसी मैट्रिक्स में आर टू इसके करस्पॉन्डिंग, तो वन बाय थ्री, तो ये वन बाय थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स प्लस वन बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री, माइनस फाइव बाय थ्री ठीक है। ऐसी आर थ्री हमारा कितना है जीरो, प्लस आर टू कितना है वन बाय नाइन, तो ये कितना आएगा वन बाय नाइन ठीक। आर थ्री अब कितना है यहाँ पे वन, तो वन लिखा। आर टू कितना है जीरो, तो जीरो लिखा, वन प्लस जीरो वन, तो ये हो गया। अब तुम्हें ये वाली एंट्री, क्योंकि डायगोनल में वन चाहिए था तो इसको वन बनाना पड़ेगा, तो आर थ्री को वन बनाना है तो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव आर थ्री का, तो मतलब जो ये वाली रो है उसमें नाइन बाई ट्वेंटी फाइव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये वन बन जाएगा ठीक है। बाकी दोनों को इज इट इज वन जीरो फाइव बाय थ्री जीरो वन माइनस इलेवन बाय नाइन जीरो जीरो, ये वन हो गया। सेम यह फर्स्ट रो एज इट इज, क्योंकि थर्ड रो में चेंज हो रहा है जीरो ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करा तो थोड़ा सा देख लो इसको, फाइव में जब इसका नाइन बाई ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आर थ्री हमारा माइनस फाइव बाई थ्री है और ये हो गया, तो थ्री से ये थ्री टाइम कट जाएगा, फाइव से ये फाइव टाइम कट जाएगा, तो माइनस थ्री बाय फाइव हो जाएगा, ये माइनस थ्री बाय फाइव ठीक है। अब नाइन बाई थ्री तो वही हमारा थर्ड रो का नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, और आर थ्री हमारा कितना वन बाय नाइन, तो वन बाय नाइन लिखा, तो नाइन से नाइन कट कितना हो गया वन बाय ट्वेंटी फाइव, तो ये वन बाय ट्वेंटी फाइव आ गया। सेम यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये नाइन बाय ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, और ये ए तो इज इट इज रहेगा। अब ये वन बन गया तो इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ऑपरेशन लगा देते हैं, इसको जीरो बनाना आर थ्री से, आर वन में चेंज होगा अभी आर थ्री से, और आर टू में भी चेंज होगा आर थ्री से, तो हम क्या करें आर वन में चेंज कर रहा हूं, आर वन में चेंज कर रहा हूं, तो आर वन में चेंज कर रहा हूं, तो आर वन इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, फाइव बाय थ्री से मल्टीप्लाई करके है ना, आर थ्री में फाइव बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं और आर वन में से माइनस कर दूं, क्योंकि ये वन बन गया तो फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री जीरो हो जाएगा। हमको तो बस जब ऑपरेशन लगाना है जिस एलिमेंट में जिसको जीरो बनाना है बस उसी को ध्यान रखो, बाकी तो ऑटोमेटिक सही साथ चले जाएगा ना वो ठीक है। एक ऑपरेशन ये बन गया, एक और बना देते हैं सेकंड रो में, इसको भी जीरो बनाना है हमको, ये माइनस कर हमको प्लस में ऑपरेशन लगाना है, आर टू के एलिमेंट को भी जीरो बनाना, तो आर टू इलेवन बाय नहीं, और ये माइनस का तो हम यहाँ प्लस का ऑपरेशन लगा देते हैं और ये आर थ्री हो गया ठीक है। इसी के साथ में अगला ऑपरेशन लगा रहे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो में चेंज, तो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं ठीक है, जीरो जीरो वन इज रहेगा, इधर भी थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, वन ट्वेंटी फाइव नाइन ट्वेंटी फाइव। तो हम पहले फर्स्ट रो का चेंज देखते हैं, फर्स्ट रो में क्या चेंज हो रहा है, आर वन, आर वन हमारा क्या है वन, तो वन लिखा मैंने, फिर माइनस लगा माइनस, फिर आया हमारा फाइव बाय थ्री, और आर थ्री हमारा कितना है जीरो, तो जीरो सॉल्व करते समय एक एक स्टेप का ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा, वन माइनस जीरो जीरो, तो ये तो जीरो आ गया उसका वन आ गया है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा जीरो और वन में से माइनस करो वन आ गया ठीक है। ऐसी अब आर वन हमारा कितना है जीरो माइनस फाइव बाय थ्री, और आर थ्री कितना है जीरो, तो जीरो को कितना आ गया जीरो ठीक है। आर वन कितना है फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री इंटू आर थ्री, आर थ्री कितना वन, तो ये वन, तो ये कितना हो गया जीरो, तो जीरो फर्स्ट रो हमारी सॉल्व हुई। सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो हम कैसे सॉल्व कर लेते, तो आर वन हमारा कितना है जीरो, सेकंड मैट्रिक्स का आर वन हमारा जीरो, और इस आर वन के करस्पॉन्डिंग है ना ध्यान रखना, तो ये हो गया हमारा फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री का मल्टीप्लाई है, उसके बाद आर थ्री, तो ये जीरो के करस्पॉन्डिंग माइनस थ्री बाय फाइव, तो ये हो गया थ्री बाय फाइव, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल, फाइव से फाइव कैंसिल, मल्टीप्लाई करा इसका तो कितना हो जाएगा प्लस वन, तो ये आ गया हमारा प्लस वन ठीक है। ऐसे अब आर वन हमारा क्या है माइनस वन बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री
इंटू 1 बाई 25, क्योंकि ये माइनस 1/3 के करस्पॉन्डिंग 1/25, तो ये 25 तो कट हो जाएगा ये 5 टाइम, तो कितना हो गया तुम्हारा माइनस 5/3 माइनस 1/15, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15, ये रफर कर रहा हूं मैं 15, तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम है, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई इधर 1, तो माइनस 6/5, तो माइनस 6/15, तो ये कट जाएगा 3 से 3 2 जा, ठीक है, और 3 5 तो माइनस 2/5, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस 2/5, ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसी। आगे बढ़े तो आर वन हमारा यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 0, माइनस 5/3 इंटू आर 3 कितना है 9/25, तो कितना हो गया 25, तो ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम, ये 3 से कितनी बार 3 टाइम्स, तो कितना हो गया माइनस 3/5, तो ये हमारा आ गया माइनस 3/5, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है, इतना होने के बाद अब हम सेकंड रूप को सोल्व करना है, सेकंड रूप के एलिमेंट्स भी निकालना है, सेकंड रूप के एलिमेंट्स तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आर टू 0, क्योंकि हमारा सेकंड आर टू 0 प्लस आ रहा है, प्लस लगाया हमने, उसके बाद 11/9 है, 11/9 लिखा, और फिर आर थ्री इस 0 के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये आर टू और ये आर थ्री है, इसके करस्पॉन्डिंग यही है, तो 0 आएगा यहाँ पे, तो ये पूरा तो 0 हो गया, ठीक है, ये तो 0 होगा। फिर आर टू हमारा कितना है 1 प्लस, ठीक है, 11/9 इंटू इस 1 के करस्पॉन्डिंग आर थ्री का एलिमेंट 0, ये कितना है 1, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आर टू हमारा कितना है माइनस 11/9, तो ये लिखा मैंने माइनस 11/9 आर टू है, ठीक है, प्लस 11/9 इंटू आर थ्री इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हो रहा है, तो ये तो 0 होगी, ठीक है, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया। उधर देखते हैं उसका भी सेकंड रूप फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 लिखा मैंने 1/3 प्लस 11/9, तो 11/9 और इसके करस्पॉन्डिंग आर थ्री एलिमेंट ये माइनस 3/5, तो ये 3 से 3 टाइम्स तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/3 माइनस 11/15, एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो ये तो 15 हो गया, 5 माइनस 11 तो माइनस 6/5, तो माइनस 6/5 आएगा, ये 6/15 आएगा, तो 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2/5, ठीक है। अब अगला एलिमेंट आर टू 1/9 प्लस 11/9 इंटू आर थ्री हमारा कितना है 1/25, तो ये 1/25 होगा, ठीक है, हम 4 1/9 इसको सॉल्व कर लेना, तो ये 25 प्लस 1 तो कितना हो गया 1/9 इंटू 36/25, 4/25 आएगा, ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4/25, ठीक है। ऐसे ही आर टू हमारा 0 है प्लस 11/9 इंटू आर थ्री 9/25, तो 9 से 9 कट, तो ये कितना आ गया हमारा 11/25, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गया, और ये आइडेंटिटी बन गया तो ये मैट्रिक्स जो बना वो हमारा इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स होगा, तो हम लिखेंगे जैसे ए इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 11/25 11/25 माइनस 3/5 और 1/25 9/25, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे रो वाइज सॉल्व करे, एक कॉलम वाइज क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाना हो तो तुम किस तरह से लगाओगे, तो वो भी एक बार देख लो क्वेश्चन में, 3/3 का हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बोल दिया था जब भी कॉलम वाइज मैट्रिक्स तुम्हें सॉल्व करना है तो a = ai लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉलम वाइज में, ठीक, फिर मैंने तुमको बोला था ये कॉलम वाइज के लिए तुमको याद रखना है, कॉलम वाइज जब भी सॉल्व करो, तो हम इस a में मतलब ऑपरेशन लगाएंगे,
तो इस आई पे भी ऑपरेशन रखेंगे, वही ऑपरेशन जो ए पे अप्लाई होंगे वो आई पे भी होंगे, इस ए को हमको एजीटी रखना है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन लगाते लगाते ये तो बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ए डॉट बी हमारा क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना। तो ये हमारी बात हुई जब भी हम कॉलम वाइज यूज करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, हमको ए दिया हुआ है 250011-10। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। ठीक है, तो हमको इसको वन बनाना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना A=AI हमको लेके चल रहा है, तो हम पहले राइट कर लेते हैं। तो 250011-103 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी 100010001। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरे को ये पूरा पूरा जो कॉलम है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, सेम है, C1 C2 C3, याद रखना। मेरे को इसको वन बनाना है, ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले इसको वन बनाते हैं, एक ही ऑपरेशन दिया है यहाँ पे। तो C1 C1+C3 लगा दिया मैंने। अगर मैं इस पूरे कॉलम ये इस एलिमेंट को इसके साथ एड कर दूं तो ये तो वन बन जाएगा, तो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जैसे ही वन बनेगा ना उसके बाद हम तो ये हो जाएगा हमारा कितना, C1 हमारा 2 है, और इस 2 के करेस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट जो है वो -1 है, तो -1, तो ये तो 1 आ गया, ये 0। मतलब देखो C1 में चेंज हो रहा है, बाकी किसी एलिमेंट्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, केवल C1 वाले में चेंज आएगा, ये बात ध्यान रखना। इधर भी A तो एज इट इज लिखा 100001, ठीक है। इधर भी फर्स्ट कॉलम में ही चेंज आएगा क्योंकि हमने एक ऑपरेशन लगाया, क्योंकि हमको सबसे पहले 1 चाहिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाकी है। C1 C3 हो गया। अब C1 का एलिमेंट क्या है, 5 है, C1 का एलिमेंट 5 है, तो C3 का एलिमेंट इसके करेस्पॉन्ड 0, तो 0 5+0 कितना आएगा 5, तो ये एलिमेंट आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही C1 हमारा कितना है 0, और इस C1 के करेस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट कितना है 3, तो ये 3, तो ये हमारा 3 आएगा। ऐसे हम इस ऑपरेशन लगाए यहाँ पे C1 का एलिमेंट 1 है और इस 1 के करेस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट 0 है, तो 1+0 कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे C1 का एलिमेंट 0 है और इस C1 के करेस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट ये 0 है, तो 0+0 तो ये 0 आया। ठीक है, C1 का एलिमेंट 0 है, इसके करेस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट 1 है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमको ये 1 मिल जाता है, ये 1 मिल जाता है, तो हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ, इसको बनाना पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन और लगा हुआ, C3 के एलिमेंट को 0 बना रहा हूं, तो C3 में अगर मैं C1 को प्लस कर दू, C3 में अगर मैं C1 को अगर प्लस कर दू ना, तो ये 0 बन जाएगा। तो बस यही तो मैं चाहता हूं, तो मतलब इसका मतलब फर्स्ट 2 कॉलम में कोई चेंज नहीं, ठीक है, दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं, ठीक है, इधर भी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में चेंज होगा तो अभी लिखेंगे अपन। तो देखो C3 हमारा कितना है -1, तो -1, C1 कितना है 1, तो ये 1, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, बाकी चेंज तो पूरे कॉलम में करना हमारे, तो 0, ठीक है, C3 हमारा कितना है 0, C3 0, और इस C3 के करेस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट कितना है 5, तो ये 5, तो ये 5 आ गया। फिर C3 हमारा 3 है और इस C3 के करेस्पॉन्डिंग C1 ये, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ही इधर भी देखते हैं, C3 हमारा कितना है 0 और C1 कितना है 1, तो ये 1, तो कितना है 1, C3 कितना है 0 और C1 कितना है 0, तो ये 0, 1+1 कितना हो गया 2, सेम ऐसे सॉल्व करना है। अब उसके बाद ध्यान रखना, हमको डायगोनल में तो 1 ही लाना है, तो यहां पे 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ, अब अगर ये 1 दिया हुआ है
तो इस कॉलम से इस फाइव को भी जीरो बनाना पड़ेगा और इस फाइव को भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है, तुमको सी वन को भी जीरो बनाना है। तो यहां लिखना सी वन माइनस फाइव इंटू सी टू, ठीक है। एक ऑपरेशन तो ये आ गया, मतलब मेरे सेकंड वाले ऑपरेशन में फाइव का मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट में से माइनस कर दे। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट को देख के ऑपरेशन लगाता हूं तो वो पूरी कंडीशन पूरी पूरे कॉलम में अप्लाई होगी। ऐसे ही मैं ऑपरेशन इसी के साथ में लगा देता हूं, सी टू सॉरी सी थ्री माइनस फाइव सी टू, ठीक है। फिर मैंने सी टू को फाइव में मल्टीप्लाई करके इस फाइव में से माइनस कर दिया, तो ये दूसरा ऑपरेशन, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया। हम पहले ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सी वन में भी चेंज हो रहा है और सी थ्री में भी चेंज हो रहा है, बस सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो सेकंड कॉलम को हम एज इट इज लिख लेते हैं, जीरो वन वन। जब हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको ऐसे ऐसे जीरो, और रो वाइज लगाते हैं तो हमको ऐसे ऐसे जीरो बनाना पड़ता है, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना है जब हमको रो वाइज ऑपरेशन लगाना है तो हमको कैसे जीरो बनाना है, ऊपर और नीचे जीरो बनाना है, ठीक है। और अगर हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको जीरो कैसे बनाना है, लेफ्ट साइड में बन रहे होंगे जीरो या तो राइट हैंड साइड में बन रहे होंगे जीरो, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा, अब देखो इसके लेफ्ट ये वाली ये कॉलम एज इट इज लिख दी, अब इसके लेफ्ट में भी चेंज हो रहा है राइट में भी चेंज हो रहा है, ऐसे ही ए तो एज इट इज लिखा, इधर भी सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा जीरो वन जीरो, बाकी में चेंज होगा। तो हम पहले ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, तो सी वन हमारा कितना है, सी वन हमारा वन माइनस फाइव इंटू सी टू कितना है जीरो, तो ये जीरो, फाइव मल्टीप्लाई करा तो वन आया, ठीक। ऐसे सी वन हमारा कितना, फाइव माइनस फाइव इंटू सी टू, तो ये फाइव इंटू सी टू, सी टू हमारे इसके करस्पॉन्डिंग था वन, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा तो कितना आया जीरो, ठीक है। ऐसे ही थ्री इंटू थ्री सी थ्री कितना है, सी वन कितना थ्री और माइनस फाइव और सी टू, सी वन के करस्पॉन्डिंग सी टू वन, तो वन तो कितना हो जाएगा फाइव है ना, तो ये हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही हम यही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स को भी लगाएंगे और फर्स्ट रो फाइंड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना है, वन माइनस फाइव इंटू सी टू, सी टू कितना जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, ये कितना आ गया वन, ठीक है। सी वन कितना है जीरो, इस मैट्रिक्स को देख रहा हूं सी वन कितना है जीरो, ये हो गया माइनस सी टू कितना है वन, तो वन, तो माइनस कितना आ गया फाइव, ठीक है। जैसे सी वन हमारा कितना वन माइनस फाइव इंटू सी टू, इस वन के करस्पॉन्डिंग सी टू जीरो, तो जीरो तो वन, ये कितना आ गया वन, तो ये हो गया वन। ऐसे हमको थर्ड कॉलम देख रहे हैं, थर्ड कॉलम देख रहे हैं, थर्ड कॉलम देख रहे हैं, तो थर्ड कॉलम इसके एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स है हमारा, ठीक। तो सी थ्री हमारा जीरो है, तो जीरो और माइनस, ये रफ्फर का मैं करके देख सकते हो, फाइव इंटू सी टू, सी टू हमारा कितना है जीरो, ठीक है। तो जीरो, ये जीरो हो गया हमारा, जीरो ही आया ये, ठीक है। ऐसे ही सी थ्री हमारा कितना है फाइव, ये फाइव माइनस फाइव इंटू सी टू कितना है वन, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग सी टू ये रहेगा, तो जीरो, ये जीरो आएगा, ठीक है। जैसे ही सी थ्री हमारा कितना सिक्स माइनस फाइव इंटू सी टू कितना है वन, तो ये वन हो गया, तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे वन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे वन, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया इतना। तो ऐसे ही ये वाला मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा तो हमको सी थ्री मिलेगा। तो सी थ्री हमारा यहाँ पे वन है, फाइव इंटू जीरो, तो कितना आएगा ये वन, तो ये एलिमेंट तो हमारा वन आ गया, ठीक है। सी थ्री हमारा कितना है जीरो, तो जीरो माइनस फाइव इंटू सी टू कितना है वन, तो कितना आ रहा माइनस फाइव, ठीक। सी थ्री कितना है टू माइनस फाइव इंटू सी टू कितना है जीरो, तो ये तो हो गया टू, तो ये हमारा टू आएगा, ठीक। अब देखो ये वन है डायगोनल में तो वन आया, लेकिन हमको इस वन को भी जीरो बनाना और इसको भी जीरो बनाना, तो हम सी वन के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, तो सी वन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा सी थ्री के साथ, ठीक है।
तो इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का तो प्लस आ गया, यहाँ पे टू और सी थ्री, एक ऑपरेशन हमको ये लगाना पड़ेगा और सी टू में इसको जीरो बनाना है, तो सी टू माइनस सी वन करना पड़ेगा, तो एक ऑपरेशन हमको ये लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं हम, तो हमारा कौन से कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, तो एज इट इज लिख लेते हैं। देखो अब इस कॉलम के लेफ्ट हैंड में ही चेंज हो रहा, ठीक है, तो ये हो रहा हमारा ए, ठीक है, इधर में उधर कॉलम एज इट इज लिख लेते हैं, तो लिख लिया। अब देखो सी वन हमारा क्या है, सी वन वन प्लस टू इन टू, इस वन के करस्पॉन्डिंग सी थ्री का एलिमेंट कितना है जीरो, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये को वन आएगा, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जब एपिचुअल हो जाओगे तो तुम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में फास्ट करने लगोगे, तो ये हो जाएगा सी वन जीरो प्लस टू इन टू सी थ्री, इस सी वन के करस्पॉन्डिंग हमारा एलिमेंट कितना है ये जीरो, तो कितना आएगा जीरो। ऐसे सी वन हमारा कितना माइनस टू प्लस टू इन टू सी थ्री, इस सी वन के करस्पॉन्डिंग सी थ्री ये वन, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा जीरो। इस तरह से हमको ये एलिमेंट्स मिल गए। ऐसे इधर भी ऑपरेशन लगाते हैं, सी वन पहले फाइंड कर ले, है ना, पहले ये ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स पर लगा रहा हूं, तो ये सी वन का एलिमेंट ये है वन प्लस टू इंटू सी थ्री, सी थ्री हमारा इस वन सी वन के करस्पॉन्डिंग सी थ्री ये रहेगा तो वन, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री, ठीक है। सी वन हमारा कितना है माइनस फाइव टू इंटू सी थ्री, सी थ्री कितना है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव माइनस टेन कितना गया माइनस फिफ्टीन, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सी वन है हमारा वन प्लस टू इंटू टू कितना हो गया फोर फाइव, तो ये फाइव आ गया। ऐसे ही अब ऑपरेशन सी टू, सी टू वाला हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया सी टू वाला के लिए, तो सी टू हमारा कितना है जीरो और सी वन कितना है जीरो, तो जीरो ही आ गया। ये वन सी टू वन, इसके करस्पॉन्डिंग सी वन है ना, ये सी थ्री आएगा, है ना, तो थोड़ा गलत लिख दिया, सी थ्री आएगा जीरो माइनस जीरो सी टू जीरो और सी थ्री जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, ठीक है। वन माइनस जीरो कितना है ये वन, ठीक है, क्योंकि हमको सी थ्री के थ्रू ऑपरेशन लगाना था, सी थ्री के थ्रू ऑपरेशन लगाना था इसलिए, ठीक है। और ये हो जाएगा वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। ऐसे ही इधर भी लगेगा ये ऑपरेशन, जीरो माइनस वन तो माइनस वन, वन माइनस फाइव सिक्स हो जाएगा ये, और जीरो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारा इन्वर्स होगा, तो मैं इसको लिख दू, तो इसी तरह से जो है अगर तुम चाहो तो इसी मैट्रिक्स को रो वाइज भी सॉल्व कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से मैट्रिक्स को रो वाइज सॉल्व करना चाहते हो, कौन सा कॉलम वाइज करना चाहते हो, लेकिन वो तुमको कन्वीनियंट नेस तुमको खुद ब खुद दिख जाएगी जब तुम मैट्रिक्स को देखोगे कि यार जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रो वाइज ज्यादा इजी रहेगा या कॉलम वाइज ज्यादा इजी रहेगा। कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रो वाइज सॉल्व करो या कॉलम वाइज सॉल्व करो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ध्यान रखना इसमें। उसने बोल के रखा है क्वेश्चन में, द मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी एक दूसरे का इनवर्स है, और उसने हमको चार ऑप्शन दे के रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है कि पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी बी ए, दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है ए बी बी ए इक्वल टू जीरो, तीसरा ऑप्शन हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू जीरो एंड बी ए इक्वल टू आई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो उसने बोल रखा है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का मल्टीप्लाई हम बी में करें और बी का अगर ए में करें तो आइडेंटिटी आता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी होगा। इसका मतलब हमारा जो 18 का आंसर है वो क्या है डी है, ना, मैट्रिक्स ए एंड बी ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इक्वल ए बी ए डॉट बी बी डॉट इक्वल टू क्या हो आई, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।